नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं वरुण बडोला, लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो। वेल, अगर हिंदुस्तान में बिकने वाली हर कार ऑफ द ईयर हो सकती है, तो फिर हमारा ये शो अपने पहले टेलीकास्ट में आपका फेवरेट शो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए हम तो यही कहेंगे, लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो, जिसमें खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेते हैं खबर। एंड द शो इज ऑब्वियसली कॉल्ड लेते हैं खबर। हम इस शो में तमाम खबरों की जम के खबर लेंगे, अब चाहे वो राधे माँ का नया भजन हो। वहाँ खुद को देवी का अवतार बताती थी, लेकिन वो खुद को देवी का अवतार साबित कैसे करती थी, इसका एक बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा है। चाहे वो आधुनिक भारत की द्रौपदी के पतियों का पता हो। एक बड़ी खबर आ रही है, शीना मर्डर केस में एक नया दावा किया गया है। एक स्थानीय न्यूज चैनल के मुताबिक शीना की माँ इंद्राणी मुखर्जी ने कुल 5 शादियां की थी। तो इंद्राणी मुखर्जी की 3 नहीं बल्कि 5 शादियां हुई थी, एक नया खुलासा हुआ है। चाहे वो हरमन बावेजा की अगली पिक्चर, जो कि अपने आप में अता पता लापता आएगी भी कि नहीं, क्या पता। कभी एंगेजमेंट की खबर आती है, कभी शादी जल्दी होने वाली खबर आती है, उस पर अब आप इसमें बहुत जल्दी आपको ब्रेकअप की खबर भी आएगी, या हो विराट कोहली की परफॉर्मेंस ऑन फील्ड। कल रात पहली बार कैमरे पर विराट और अनुष्का एक साथ नजर आए। मुंबई में विराट ने अनुष्का के साथ नाइट आउट पार्टी की और न्यूज 24 के कैमरे में पार्टी की हर तस्वीर कैद हो गई। ऐसी सारी खबरों का हम करेंगे पोस्टमार्टम, लेकिन सबसे पहले आइए लेते हैं उनकी खबर जो देते हैं खबर। आपको याद होगा रेडियो के समय में कैसे खबरें सुनाई जाती थी, मतलब खबर खुशी की हो या फिर मैयत की, सूर्य की रहेगा। ये आकाशवाणी है, अब आप वरुण बडोला से हिंदी में समाचार सुनिए। भारतीय चंद्रयान अपने सफल प्रक्षेपण के 1 महीने के बाद वापस धरती पर सकुशल लौट आया। इतनी कॉन्स्टिपेटेड आवाज होती थी कि मतलब समझ नहीं आता था कि ये चंद्रयान रिलीफ और कॉन्स्टिपेशन के बीच में कहीं फंस गया है। उसके बाद आया टीवी का जमाना, एक ही चैनल हुआ करता था और उसमें आंटी जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ये मोटा खाचा लगा के यू देखती थी। ऐसा लगता था जैसे खबर खुद अभी देख कर आ रही है। अरे मतलब हॉरर शो और खबर दोनों का मजा एक साथ, 2 in 1। अब ऐसे में नीचे डिस्क्लेमर चलाने में क्या जाता है। और आज की तारीख में चैनल्स के बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर चैनल में एक मॉडल टाइप लड़की न्यूज सुना रही होती है। 81 वर्षीय अभिनेता का उनके ही अपार्टमेंट में कत्ल हो गया। या अल्लाह, कत्ल होने का मजा तो अब आ रहा है जिंदगी में। न्यूज ऐसे सुनाती है जैसे कि कत्ल खुद ही करके आई। भाई ये सब तो आपने देखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा खबरों का वो स्वरूप जो कि आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो आइए चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। टॉप की न्यूज। इंटरनेशनल डॉन छोटा राजन को बाली एयरपोर्ट से इंडोनेशियन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि छोटा राजन को इंडोनेशिया पुलिस ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंटरपोल से मिली जानकारी की मदद से गिरफ्तार किया था। ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए सरकार ने प्लान बनाया था। और फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि छोटा राजन ने ही खुद अपनी गिरफ्तारी को अंजाम दिलवाया है। इस तरह के भी तथ्य आ रहे हैं क्योंकि वो शारीरिक तौर पर कमजोर है और उसका नेटवर्क भी काफी वीक पड़ चुका है। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को छोटा राजन के स्वागत की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। यू नो, सुबह शाम का खाना 5-स्टार होटल से, कमरे में एसी, 4G वाली लड़की से अनलिमिटेड प्लान वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम बाहर के आतंकवादियों के लिए बिरयानी का इंतजाम कर सकते हैं तो ये तो अपने हैं। वैसे इस काम के लिए इंडियन पुलिस की पीठ थपथपाना तो बनता है, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की, 27 साल तक आराम से इंतजार किया। इंडियन पुलिस को पता है कि अपने कल्चर में रिटायरमेंट के बाद सारे बुड्ढे घर ही वापस आते हैं। एक ना एक दिन दाऊद भी जरूर वापस आएगा। वैसे आप छोटा राजन को देखिए, पुलिस वाले के साथ खड़े हुए राजन ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि 36 बार हिंदुस्तान की सरकार ने इनका वीजा रिजेक्ट किया है और अब फाइनली इनको ठप्पा मिल गया है। अब घर में आएंगे और सबसे पहले मम्मी से जाके मिलेंगे। वैसे हमने ये भी सुना है कि छोटा राजन को दाऊद का नंबर 2 भी कहते थे। दाऊद का दाहिना हाथ होता था छोटा राजन, दाऊद के हर फैसले में होती थी छोटा राजन की अहम भूमिका। लेकिन दुश्मनी में बदल गई डॉन दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती। अब सोचिए मिलने जाते होंगे और बंदा कहता होगा, बॉस नंबर 2 आया है, बॉस बहुत जोर से नंबर 2 आया है। अब ऐसे में नंबर 2 सुनना किसको अच्छा लगेगा। सही बताओ, ऐसी बातें खुल के करनी नहीं चाहिए वरना गोली भी वहीं पड़ेगी नंबर 2 वाले स्पॉट पे। वैसे मैं ओवर एक्साइटेड बच्चों को बता दूं कि छोटा राजन इज नॉट अ सीक्वल टू छोटा भीम, राइट? हेलो, कौन बोल रहा है? छोटा शकील। छोटा, हाँ छोटा शकील, कहिए क्या क्या कर रहा है तू आजकल? मैं तो वही वही जो करता हूँ, वो शो लेते हैं खबर।
अच्छा तो हमारी खबर लेगा? अरे नहीं नहीं भाई, आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी खबर कैसे ले सकता हूँ, शो का नाम है भाई ये। अच्छा वो छोड़िए, बता हमारा हफ्ता कब दे रहा है? अरे भाई पूरा का पूरा हफ्ता तो आपको दे के रखा हुआ है ना, मैं तो सिर्फ दो ही दिन आता हूँ। कॉमेडी कर हमारे साथ, कॉमेडी कर हमारे साथ, कॉमेडी शो में कर और हफ्ता टाइम से पहुंचा देना। हाँ भाई, भले ही भारत के लिए दाऊद और शकील बहुत दूर हो, लेकिन भाई इन दोनों के लिए भारत जस्ट अ फोन कॉल अवे। सीरियसली, वैसे जिस तरह के फोन मुझे आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे किसी तांत्रिक से मिलना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल तो बड़े बड़े लोग तांत्रिक से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के तांत्रिक से मुलाकात करने पर राजनीति में मची हड़कंप। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज का अजनबी एक्सपर्ट। अरे कहाँ है जनाब? आलोक निरंजन। आए कहाँ से? उधर से। बाबा ये बताइए कि आपका इस मुद्दे के बारे में क्या सोचना है? आलोक निरंजन ये सोचना है। अगला सवाल पूछो। हाँ क्या? सबको पता है हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, मतलब लोक और तांत्रिक। अगर नीतीश कुमार सब लोगों से मिलकर तांत्रिक के पास गया तो क्या गलती की? नहीं गलती क्या 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 गलती? कोई गलती नहीं इसकी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, काले जादू के बारे में सबने सुना है लेकिन देखा किसी ने नहीं है। नहीं नहीं देखा ना? पता नहीं। टेबल जरा थोड़ा थोड़ी कमजोर है। अरे एक ही है। पर मैं जानना ये चाहता था कि ये आप ये नीतीश जी आपके पास आए तो आप सिर्फ उन्हीं से संपर्क में हैं या फिर बाकी और पार्टियां भी हैं जिनसे आप? बच्चा तेरा सवाल बहुत सही है। हम तो सबकी मदद करते हैं। हमने अभी अभी ईमेल द्वारा एक पार्टी को सॉल्यूशन दिया था। अच्छा जी। हमने कहा भाई आपके ऊपर राहु भारी है। अच्छा। उन्होंने राहु यज्ञ भी कराया। क्या बात। लेकिन एक चूक हो गई। क्या? एक चूक हो गई कि हम एल लगाना भूल गए। दरअसल मैं उसके ऊपर राहुल भारी था। राहुल। हाँ। राहुल भारी था। क्या कर सकते हैं, चमड़े की जुबान चमड़े की उंगली फिसल गई। आराम से एक ही है। कल भी इस्तेमाल करना। Well, लीतड़ साइड, हरभजन सिंह की शादी की खुशी में झूम रहा है जलंधर। 10 बजे के बाद लोगों ने जनरेटर की आवाज पे किया डांस। डर मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि शादी के बाद वो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म ना रहे, क्योंकि अब परफॉर्मेंस में गड़बड़ हुई तो करियर के साथ साथ लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। यू नो व्हाट आई मीन, यू गेटिंग माय पॉइंट। वेल चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमीषा पटेल ने किया राष्ट्रीय गान का अपमान, नेशनल एंथम पे नहीं हुई खड़ी। नाउ दिस इज रियली बैड। मतलब ये सभी को पता है कि अमीषा पटेल कुछ समय से चल नहीं रही हैं, पर अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। तो यार गदर में तो वो उड़ जा काले कावा में बहुत जोर से दौड़ी थी, हैं? अब नेशनल एंथम में खड़ी नहीं हो पा रही हैं। मुझे लगता है एक बार कहो ना प्यारे का गाना बजा देना चाहिए, हो सकता है ऊपर वाला कोई चमत्कार कर दे। आपको बता दें कि कुशल ने ट्वीट किया था कि राष्ट्रगान पर अमीषा नहीं हुई खड़ी, तो जवाब में अमीषा ने ट्वीट में लिखा कि वो महिलाओं को होने वाली मासिक परेशानी से ग्रस्त थी और अगर वो खड़ी हो जाती तो मैदान पर खून की नदियां बहने लगती। कुशल मेरा मानना यह है कि ट्विटर पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने से बेहतर यह होता कि आप अमीषा के कान में जाकर विस्पर कर देते। अगली बड़ी खबर यह है कि अनुष्का और विराट के साथ अनुष्का के फादर भी चल पड़े डेट पर। तीनों की साथ में कैद हुई तस्वीरें। वेल क्रिकेटर होने की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि बिना अंपायर के कोई मैच ही नहीं खेल सकते। लेकिन विराट जो मैच आप खेलने जा रहे हैं उसके लिए अंपायर की जरूरत कहां होती है? और अगर यहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप दोष किसको देंगे? छोड़िए, खैर भाई आप अगर सबकी खबर ले रहे हैं तो पड़ोसी की खबर लेना बहुत जरूरी है। तो अगली खबर हमारी आई है पाकिस्तान से। यूएन में अंग्रेजी में भाषण देने पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ऊपर हुआ केस। उर्दू में भाषण देने की जा रही थी उम्मीद। Yet as I speak, the proud Palestinian flag is being raised just outside the hall. तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मियां साहब को लगा होगा अंग्रेजों के सामने जरा अंग्रेजी में बात करूंगा, उनको इंप्रेस करूंगा, उस पर भी बवाल।
मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटरों की अंग्रेजी पे तो वैसे भी कसीदे लिखे जा चुके हैं। खैर, दूसरी खबर यह है कि मोदी जी से नवाज शरीफ ने मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा होगा हिंदुस्तान से मदद लेंगे, ये लोग वापस मांगेंगे। अमरीका से मदद लेते हैं, वो वापस नहीं मांगते। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किताबें बेचनी हो आप लोग यहाँ पे, गाना गाना हो आप लोग यहाँ पर, एक्टिंग करनी हो हिंदुस्तान आ जाओ। अरे तो पाकिस्तान बनाया क्यों है? उसामा और दाऊद को छुपाने के लिए है? वैसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के उर्दू एक्सपर्ट प्रोटेस्टुद्दीन तुगलक। तुगलक साहब नमस्कार, कैसे आप? जनाब मेहरबानी, ऊपर वाला आपको भी तरक्की बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया तुगलक साहब। मैं जानना चाहता हूँ कि ये अंग्रेजी बोलने पर इतना वबाल क्यों हुआ है? अरे भाई, क्योंकि अंग्रेजी जबान में हमें तकलीफ होती है। हमारा दर्द आपके मुल्क वाले क्या समझेंगे? हम तो अंग्रेजी गुसल खाने में भी तशरीफ मशरीक तरीके से नहीं, मगरीक तरीके से रखते हैं। क्या, कौन सी गरीब चीज, कैसे, क्या क्या गरीब, क्या? अंग्रेजी जबान में कहे तो तशरीफ हमेशा ईस्ट की तरफ करके बैठते हैं, वेस्ट में कभी नहीं जाना चाहिए। अरे क्या 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 बात है, मतलब। लेकिन यही मैं समझना चाहता हूँ कि जब आप लोग इतने अदब से मल बाहर करते तो माल बाहर करने में इतनी परेशानी क्यों होती है आप लोगों को? सवाल ये है कि अगर वहाँ पर उर्दू में वो भाषण देते तो शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। बड़े भाई, मसला ये है कि वो जो गुफ्तगु वहाँ करके आए हैं वो हमें समझ नहीं आती। क्या पता अंग्रेजी में हमारे मुल्क का सौदा कर दिया हो। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि अगर वो सौदा करते भी तो किस चीज का सौदा करने के लिए बचा क्या है आपके मुल्क में? हेलो हेलो, अरे जनाब आप जवाब दे रहे हैं या अगला सवाल पूछूं? अगला पूछिए। ओके, वैसे माफी चाहूंगा, अगला सवाल मेरा यह है कि आपको भाषण जो है वो तो उर्दू में चाहिए लेकिन आपको डॉलर जो है वो अंग्रेजी चाहिए। अरे हमने कितनी दफा कहा है कि डॉलर में आप हमें जॉर्ज वॉशिंगटन की जगह ओसामा बिन लादिन की फोटो लगाकर भेजो, लेकिन अमेरिका वाले तो बहानेबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि डॉलर पर उनकी तस्वीर नहीं आती, उनकी दाढ़ी बाहर आ जाती है। लेकिन ये आप बात बताएंगे कि अमेरिकन डॉलर की आपको जरूरत क्यों पड़ती है? खेल कूद के लिए है? क्योंकि खाने पीने का इंतजाम तो हम कर ही लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, पर जो बच्चों को खिलौना देना होता है उसके लिए उधार लेते हैं। अरे तुगलक साहब, ये खैरियत तो है, आपके पीछे से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, ये कुछ क्या क्या है ये? माशाल्लाह हमारे बच्चे खेल रहे हैं। ये बम की आवाज थी मुझे लगता है। अरे कमाल है, आपके यहाँ पे भी दिवाली मनाई जाती है? अरे नहीं, ऐसी दिवाली तो हमारे मुल्क में रोज मनाते हैं। अरे मौलाना साहब, खैरियत तो है, मुझे शायद अभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बच्चे वो पुलिस पुलिस खेल रहे हैं। अरे नहीं मौलाना साहब, पुलिस पुलिस नहीं, चोर पुलिस होता है। वो हमारे दो पुलिस के गैंग बन गए जिसमें लड़ाई हो रही है कि इस हफ्ते हफ्ता कौन वसूल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे उधार से आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। वेल, पाकिस्तान से गोलियां तो आती रहती है लेकिन इस बार गीता वापस आई है, देखते हैं खबर। भारतीय मूल की गीता जो कि पाकिस्तान में लंबे समय से रह रही थी वो वापस आ गई है। 15 साल से पाकिस्तान में रह रही हिंदुस्तानी लड़की गीता की हुई घर वापसी, लेकिन गीता को अभी तक नहीं मिला है अपना परिवार। भाई साहब, उसे फुर्सती कहाँ मिली है अभी? अभी तो बड़े बड़े लोगों के साथ उसका फोटो सेशन चल रहा है। वैसे सुनने में आ रहा है कि बिहार का जो परिवार गीता को अपने घर का मेंबर बता रहा था, गीता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब इतने बड़े बड़े लोगों से ऐसे वीवीआईपी से मिलने के बाद तो सुबह घर से निकल के मैं शाम को पहुंचूं तो अपने परिवार को ना पहचानूं। पिछले 14 सालों से पाकिस्तान में फंसी इस मुन्नी को अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, सिवाय इसके कि इसका नाम गीता है, क्योंकि ये ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। भारत के नक्शे को देख कर रो पड़ती है लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि भारत के वो किस इलाके से ताल्लुक रखती है। जब जब उससे पूछा जाता है तो झारखंड और तेलंगाना के नक्शे पर उंगली रख देती है। कह रही मैं गई थी पूजा करने के लिए अपने अम्मी अब्बू के साथ और मैं वहां से कहीं दाएं बाएं हुई हूँ, वहां से मैंने कोई सब्जियां ली हैं, खरीदी हैं। अम्मी ने कहा मुझे सब्जियां ले आओ, कहती मैंने सब्जियां ली हैं, वहां से निकल के मुझे रास्ता भूल गया तो मैं गलत रास्ते पे बॉर्डर पे आ गई जिसकी वजह से मुझे वहां उन्होंने पकड़ लिया। गीता के इन तस्वीरों को देखिए और अपने जानने वालों को भी दिखाइए कि
क्या पता आपके आसपास कोई इस लड़की को जानता हो, और अगर ऐसा हुआ तो इस लड़की के ऊपर बहुत बड़ा करम होगा, क्योंकि पाकिस्तान से स्टूडियो में बैठे एंकर भी इस मुन्नी को उसके माता पिता तक पहुंचाने के लिए उससे उसी की भाषा में यानी बिन बोले ही बात कर जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक जो गीता से पता लग सका है, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि झारखंड से उनका ताल्लुक है, अपनी वालदा के बारे में वो कहती हैं कि तेलंगाना से उनका ताल्लुक है, और अपने बहन भाइयों को वो याद कर रही हैं, अपने माँ बाप की बात कर रही हैं, और उनकी यही ख्वाहिश है सबसे ज्यादा कि वो किसी तरह वापस अपने घर वालों से जाकर मिल सकें। कुछ हिंदुस्तान की गीता ने पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने घर के बारे में जो बताया है उसके मुताबिक झारखंड और तेलंगाना में हो सकता है गीता का घर। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जिससे हिंदुस्तान में गीता के घर का खुलासा हो सकता है वो है बसगम गांव। जी हाँ, जब जब भी गीता से उसके पते के बारे में पूछा जाता है तो उसने हर बार किसी बसगम गांव का नाम लिया है, और ये भी बताया है कि उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ये बेचारी तो 15 साल के बाद वापस आई है। वैसे गीता एक बात बताऊं, परिवार तो तुम्हें बिहार में ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन बिहार में चल रहे हैं। वैसे पाकिस्तान हमारी फिल्मों का कितना भी विरोध करे, हमारी फिल्मों का पाकिस्तान पे असर बहुत है। देखिए, बजरंगी भाईजान में सलमान ने मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ा और पाकिस्तान ने हमारी गीता को देश के हवाले कर दिया। लेकिन इस सब के बीच में नवाज शरीफ ने कहा कि भैया हमने गीता वापस कर दी है, आप भी हमारा हैंडपंप वापस कर दो जो सनी बाजी उठा के लेके चले गए थे गदर में। चलिए बहुत हो गई पड़ोस की बातें, आप घर आ जाओ, परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर की सिचुएशन क्या है? वेल, अरहर की दाल कुछ 200 रुपए किलो से ऊपर, प्याज खेल रहा है 50-60 के बीच में। वैसे प्याज की भी बड़ी अजीब जिंदगी है, पहले काटते थे तो आंख में आंसू आते थे, फिर ऐसा वक्त आया कि खरीदते थे तो आंख में आंसू आते थे, आज तो ऐसा वक्त है कि देख लेते तो आंख में आंसू आ जाते हैं। कसम खा के कह रहा हूं, अगर इतने पैसे जेब में हुए कि 2 किलो प्याज एक साथ खरीद पाया ना, तो खुशी के आंसू आ जाएंगे आंख में। अगली खबर यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर खोला अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा। परेशानी यह है कि सर, ट्विटर पे आपकी सुनता कौन है, अब मतलब फील नहीं आता है ना। अगर यही बात आपने डायरेक्ट जाकर पार्टी वालों को कही होती तो बात ही कुछ और होती, यू नो, उसी स्टाइल में कि वो आए तो कहना कि छेनू आया था, खामोश। आपको सिर्फ चुनना है। शत्रु जी, आपका पहला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है? आपके विकल्प हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, जीतन राम मांझी या शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। Like this. तो आइए चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ जो आ रही है हमारे पास दाल। ओए होए 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 भाई, गड़ बता रहा हूँ, मजा ही आ गया जिंदगी का। इतना टाइम कैसे लग गया इसको लाने में भाई? सुबह बोला था सर, चैनल हेड का अप्रूवल लेना था। दाल का FD करा लो, इसकी डबल हो जाएगी 7 साल में। कमाल करते हैं यार, खाने के वक्त तो कम से कम फोन ना किया करो। हेलो, शकील बोल रहा हूँ। कौन भाई? शकील कौन? अबे शकील भाई, भाई क्या क्या हुआ भाई? दाल खा रहा है तू? मैं बहुत पैसा आ गया तेरे पास? नहीं भाई, मैं कहाँ दाल, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुंह नहीं लगाई मैंने। ये ना, ये अंबानी अंकल का पार्सल मेरे पास लेकर आ गए गलती से। ए, अबे अंबानी अंकल का पार्सल मेरे पास क्यों लेकर आते हो यार, तुम मरवाओगे मुझे। लेकिन देख भाई, मैंने अभी भी मैं करवा दी वापस भाई। नहीं नहीं, कसम से मुंह भी नहीं लगाया भाई। भाई बच्चों की कसम, मैं अगर उसको मुंह लगा लेता तो हमारी ऐसी किस्मत का भाई, आपके होते हुए दाल नहीं, नेवर। ओके, हाँ भाई। हाथ को आया, मुंह को न लगा। वेल, हमारी किस्मत में दाल का तड़का खाना लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हम आपको खबरें बहुत तड़केदार सुना सकते हैं। और अगली खबर यह है कि सनी लियोनी की पिक्चर मस्ती ज्यादा के पोस्टर हुए रिलीज और सेंसर बोर्ड हुआ अलर्ट। वैसे तो फिल्म कॉमेडी है, लेकिन फिल्म चाहे ड्रामा होती, थ्रिलर होती, सस्पेंस होती, सनी लियोनी को तो एक्शन ही करना था, सॉरी। आपको उनका स्टाइल तो पता ही है ना, पान मसाला भी बेचती है तो मन करता है खरीद लो एक दो ट्रक पूरे के पूरे। वैसे सनी लियोनी नाट्य शास्त्र में इतनी निपुण है कि बिना डायलॉग के सीन में भी दर्शकों को बांधे रख सकती है। आपको पता है द ग्रेट चार्ली चैप्लिन और सनी लियोनी के बीच में समानता क्या है? इन दोनों की फिल्में कभी भी डायलॉग की मोहताज नहीं रहेंगे, सीरियसली। आमिर खान ने खरीदी अपनी बेटी इरा की पेंटिंग। ओए होए होए होए, ये आदमी घर के सब बच्चों का कितना ख्याल रखता है। बेटी पेंटिंग बनाए, ये खरीद ले। भांजे की पिक्चर अगले ने बनाई, अगले ने देखी खुद बैठ के। आपको एक और खबर सुनाएं,
बजरंगी भाईजान देखने के बाद आमिर खान रो दिए क्योंकि उस फिल्म में सलमान खान ने एक्टिंग कर ली है, और कट्टी बट्टी देखकर भी आमिर खान रोए क्योंकि इमरान से अभी तक एक्टिंग नहीं होती। आमिर जी, हम आपको ये सजेशन देना चाहेंगे कि सलमान खान से जाके बात करें कि भैया अगली बार किसी को कंधे पे बैठा के अगर सरहद पार छोड़ना हो तो इमरान को ले जाए, कम से कम आपका पैसा और वक्त तो बर्बाद नहीं होगा। अगली खबर यह है कि मोदी के बेचारा कहने पर लालू जी की बेटी भड़की। भड़केगी क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बेचारा हो सकता है, लेकिन लालू जी नो नो नो, ही कैन नेवर बी बेचारा। और अगली खबर यह है कि लालू की एक रैली में लगा हुआ फैन उनके ऊपर गिरते गिरते बचा। आइए देखते हैं उस फैन की एक तस्वीर। पंखा चल रहा है और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो उनकी रैली थी, संबोधित कर रहे थे। देखिए वैसे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये फैन लालू जी के हाथ पे नहीं गिरा। दोस्तों इतना तो तय है कि इस शो के बाद मेरे बहुत सारे फैंस बन जाने वाले हैं और उससे भी ज्यादा जानलेवा दुश्मन, लेकिन मैं फिर भी अपनी जान पे खेलकर कल इसी लोकेशन पे इसी चैनल पे वरुण बड़ोला आऊंगा और हम सब के सब मिलकर फिर कल लेते हैं खबर। गुड नाइट।